हेलो फ्रेंड्स, नीलम मरुका रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम जन्माष्टमी के लिए धनिया पंजीरी प्रसाद बनाएंगे। तो चलिए धनिया पंजीरी प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। धनिया पंजीरी के लिए कढ़ाई में मैं 1/4 कप घी लूँगी। घी के गर्म होने पर मैं इसमें 10 से 15 काजू और बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके डाल दूँगी। तो ये मैंने काजू और बादाम डाल दिए हैं। अब इन्हें रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें रोस्ट करेंगे। देखिए काजू और बादाम रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये काजू बादाम को मैंने बाउल में निकाल लिए हैं। अब इसमें किशमिश डालेंगे। मैंने यहाँ 20 से 25 किशमिश ली हैं। किशमिश बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाती है, इसलिए इन्हें काजू बादाम के साथ नहीं डालेंगे। देखिए किशमिश बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है और ये फूल भी गई है पहले से। तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ये किशमिश बाउल में निकाल ली है। इस बचे हुए घी में 1 कप मखाना डाल देंगे। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। इसे भी लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। मखानों को मैं काजू बादाम और किशमिश के बाद ही रोस्ट करूँगी। अगर मैं इसे पहले रोस्ट करूँगी तो मखाने सारा घी सोख कर लेंगे। देखिए मखाना भी रोस्ट हो गया है, इसका कलर भी एकदम गोल्डन आ गया है। तो इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए घी में मैंने यहाँ 1/2 कप सूखा नारियल को कद्दूकस करके ले लिया है। इसे भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे बस इतना ही इसे फ्राई करना है। तो नारियल को फ्राई करने के बाद इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में 1/4 कप घी और डाल देंगे क्योंकि अभी हमें धनिए को सेकना है। तो अब हम लेंगे 1 कप धनिया पाउडर। इसे मैंने घर पे ही बनाया है। जो साबुत धनिया होता है उसे मिक्सर जार में पीस करके इसका दरदरा पाउडर बना लिया था। आप चाहे तो बाजार का भी धनिया पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से जब तक अच्छी खुशबू नहीं आ जाती तब तक इसे सेकते रहेंगे। तो ये पंजीरी में मैंने टोटल 1/2 कप घी का इस्तेमाल किया है। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इसे इस तरह से ही लगातार चलाते रहेंगे। धनिया को सिकने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। धनिया में से अच्छी खुशबू आने लगी है, बस इसे इतना ही सेकना है, इससे ज़्यादा इसे नहीं सेकना है। तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे। अब साथ ही मैंने 1 कप शक्कर का बूरा लिया है। आप घर पर चीनी पीसकर भी इसको ले सकते हैं। मिला लेंगे धनिया और शक्कर के बूरे को। जितना मैंने धनिया पाउडर लिया है उतना ही सेम क्वांटिटी में मैंने शक्कर का बूरा लिया है।
तो इस धनिया पंजीरी में मैंने 1 कप धनिया, 1 कप बोरा और आधा कप घी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून चिरौंजी दाने डाल देंगे और जो ये काजू बादाम और किशमिश हमने रोस्ट करके रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे। नारियल डाल देंगे। और ये रोस्टेड मखाने भी इसमें डाल देंगे। देखिए मखाने बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इसको भी इस बाउल में डाल देंगे और सारी चीज़ों को मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल नहीं है उन्हें आप हटा सकते हैं, या जो आपको पसंद है उन्हें आप डाल सकते हैं। आप यहाँ सूखे खजूर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके ले सकते हैं या खसखस का दाना भी ले सकते हैं। अब इस धनिया पंजीरी को मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो लीजिए तैयार है ये धनिया पंजीरी प्रसाद। इस जन्माष्टमी में आप ये धनिया पंजीरी प्रसाद ज़रूर बनाएं और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।